जी हाँ, वंस अगेन कटरीना कैफ सिर्फ 2009 में ही नहीं इस सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड की टॉप एक्ट्रेस हैं ख्यात। और नंबर वन की इस रेस में कटरीना को विनर बनाया है इनकी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ने। इस डिकेड में कैफ की 16 फिल्में आईं और हर फिल्म का एवरेज बिजनेस रहा ₹36 करोड़। और सरप्राइजिंगली नंबर टू पर है विद्या बालन। विद्या की 7 फिल्में आई और हर फिल्म ने एवरेज बिजनेस किया ₹29 करोड़। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस रेस में विद्या ने करीना कपूर को पीछे छोड़ा है। करीना है टॉप थर्ड एक्ट्रेस ऑफ द डिकेड। बेबो को इंडस्ट्री में पूरे 10 साल हो गए और इस दौरान आई उनकी 31 फिल्में। हर फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बिजनेस रहा ₹22 करोड़ थैंक्स टू हर लास्ट हिट 3 इडियट्स। नहीं तो इस रेस में करीना और नीचे चली जाती। टिकेट की टॉप फोर्थ एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय। ऐश की 23 फिल्म रिलीज हुई और हर फिल्म ने किया ₹20 करोड़ का एवरेज बिजनेस। टॉप एक्ट्रेस ऑफ द डिकेड की लिस्ट में 5th प्लेस पर है लारा दत्ता। वंस अगेन सरप्राइजिंग, लारा ने किया है 12 फिल्मों में काम और उनकी हर फिल्म का एवरेज कलेक्शन रहा ₹20 करोड़ डिस्पाइट द डेबिट ऑफ ब्लू। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज सिर्फ टैलेंट ही नहीं फिल्म का सिलेक्शन भी जरूरी है भाई। Better luck next time, babes.